जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर पार्टिसिपेंट्स? ठीक ठाक हैं? बिलेटेड ईद ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। होप एवरीवन हैड अ गुड टाइम। गुड चले जी, माशाल्लाह, हैप्पी टू नो दिस। अच्छा जी, चलें तो फिर हम अपनी IS-705 की डिस्कशन को भी कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारी आज और कल एक दिन और डिस्कशन चलेगी। सच एन इम्पोर्टेंट एरिया कॉन्सेप्ट वाइज भी, ऑडिट रिपोर्ट में इम्पैक्ट के हवाले से, कि हमें इसकी डिफरेंट मोडालिटीज जो हैं उसको डिस्कस करना है। और थोड़ा सा टू गेट यू इन टू द मूड, हमने लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे कि रिपोर्टिंग वाला सेक्शन जिसके 20-30% वेटेज है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन फोर वेज: नॉलेज बेस, क्रिटिकल इवेल्युएशन। सो नॉलेज बेस इज सिंपल, क्रिटिकल इवेल्युएशन आपको कोई रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट्स एक्सर्प्ट्स कुछ दिए जाए और आपको कहा जाए कि बताइए इसमें प्रॉब्लम, उसमें फॉर्मेट की कॉस्मेटिक मिस्टेक भी हो सकती हैं और अंदर कॉन्टेंट वाइज भी हो सकती हैं। इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन देखा, इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन जो है वो देखा। और अब हम जो फोकस कर रहे हैं लास्ट क्लास से और इस क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे, वो ये थर्ड एरिया कि व्हेन वी आर आस्क्ड टू कमेंट या डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अबव सिचुएशंस ऑन आर ऑडिट रिपोर्ट। तो हाउ टू कमेंट एंड हाउ टू डिस्कस दी इम्पैक्ट ऑन आर ऑडिट रिपोर्ट, और इसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। 3 स्टेप में हमने हर सिचुएशन को जो है वो ब्रेक डाउन करना है ताकि हम उसको करेक्टली सिचुएशन को एवेल्यूएट कर सकें और फिर उसका सही इम्पैक्ट दे सकें। और अप्रोच थी हमारी ISI अप्रोच, और ये ISI अप्रोच मैंने यहाँ पर दोबारा से समराइज वे में लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरा प्रॉपर वे में बना के दिया था। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द इशू इन दैट सिचुएशन, और इशू या अकाउंटिंग होगा या ऑडिटिंग होगा या मिस स्टेटमेंट का इशू होगा या इनएबिलिटी का इशू होगा या डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट होगा या लिमिटेशन ऑन स्कोप होगा या कंपनी कोई ऐसी नॉन कंप्लाइंस कर रही होगी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बात लिखी होगी या कोई ऐसी नॉन कंप्लाइंस हो रही होगी जो ऑडिटर कंप्लाई नहीं कर पा रहा ड्यू टू एनी सर्कमस्टांस वट हैज़ बीन रिटर्न इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सो ये अकाउंटिंग इशू होगा या ऑडिटिंग इशू होगा। और हमें पता है कि जब कोई अकाउंटिंग का मसला हो या क्वालिफाइड ओपिनियन होगा या एडवर्स ओपिनियन होगा मैक्सिमम, और अगर वो ऑडिटिंग इशू हुआ तो क्वालिफाइड ओपिनियन होगा या मैक्सिमम वर्स्ट फॉर्म क्या हो सकती है लिमिटेशन ऑडिटिंग ISA इनएबिलिटी के केस में, वट कुड बी द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ओपिनियन: क्वालिफाइड या क्या होगा? शाबाश, एनीवन? डिस्क्लेमर। गुड, बिल्कुल। तो या फिर होगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बिल्कुल सही। लेकिन ये सारा फैसला कि क्वालिफाइड या एडवर्स, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, ये फैसला होगा उस इशू की सिग्निफिकेंस के ऊपर। और सिग्निफिकेंस हमें क्वांटिटेटिवली भी चेक करनी है और क्वालिटेटिवली भी चेक करनी है। और हमारा रिजल्ट या वो मैटर इमटीरियल हो सकता है या मटीरियल एंड परवेजिव। और क्वांटिटेटिव के लिए मैंने आपको 2 थ्रेशोल्ड दिए थे, 5% होता है प्रॉफिट का या नेट एसेट्स का, या एक हो जाएगा 1% रेवेन्यू का या टोटल एसेट्स। तो कोई भी बेस जो भी एग्जाम में दी गई हो वो हम यूज करेंगे। और क्वालिटेटिव की एग्जाम्पल जो है वो है डिस्क्लोजर ऑफ एनी टाइप इज एटलीस्ट कंसिडर टू बी मटीरियल। तो मामला या तो इनसिग्निफिकेंट होगा इमटीरियल होगा, या सिग्निफिकेंट या मटीरियल होगा, या उससे भी बड़ा होगा मटीरियल एंड परवेजिव। और उसके थ्रेशोल्ड भी हम लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ भी नोट कराए थे। आई होप कि आपके उसके अंदर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं अभी हो, बट
आज वो क्वेश्चंस टैकल करने का टाइम नहीं, क्योंकि कुछ चीजें मैं आज आपसे इन एनी केस डिस्कस कर ही रहूंगा। तो कल इंशाल्लाह हमारी 705 पे लास्ट क्लास होगी, उसमें जो स्टैंडर्ड के अंदर बातें लिखी हुई हैं, पैराग्राफ्स हैं, उसकी हम डिस्कशन करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स और प्लस जो मैं खुद से चीज ऐड करना चाहूंगा। तो अगर आपने अभी भी वो पैराग्राफ्स जो हैं इंपॉर्टेंट नहीं पढ़े, तो टुडे इज द डे, आप प्लीज कल क्लास में पढ़ के आइएगा एंड ब्रिंग योर क्वेश्चंस एज वेल। और ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं देख रहा हूँ कि क्लास में पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं दे आर मोर रिलाइंग ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर। तो मैं मेरे ख्याल में तो जितनी अच्छी इंटरेक्शन या जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक एक लाइव क्लास के इन्वायरमेंट में हो सकती है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर में उस तरह से नहीं हो सकती। रिकॉर्डेड लेक्चर को एक अपॉर्चुनिटी लिया, अगर किसी वजह से मिस हो गया तो वो आपका एक कंटेजेंसी प्लान है, ठीक है, उसको उसी लिए यूज करें। डोंट मेक इट योर फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस यही होनी चाहिए, यहाँ पे आए हम बात करें, डिस्कस करें, लाइव समझे तो प्रॉब्लम हम डिस्कस करें, दूसरे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस देखें, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म प्लीज। उसका मैं चाहूंगा कि मैं ये बात ग्रुप में भी मेंशन कर दूँ, दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। वो कंटेजेंसी प्लान है, वो बैकअप प्लान है, कि अगर किसी वजह से कभी कभार एक्सेप्शनली अगर आप नहीं अटेंड कर पाते किसी वजह से, तो आपके पास ये फॉल बैक है, यू कैन रिलाई। बट जस्ट डोंट काउंट ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर ओनली। और आप कहेंगे क्लास में आने की करने की क्या जरूरत है, रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल ही जाएगा, बट फिर वो प्रॉपर उसका जो पर्पज है वो मुझे डिफीट होता हुआ नजर आता है। तो कल आप प्लीज वो पढ़ के आइएगा स्टैंडर्ड के पैराग्राफ। उसका इम्पैक्ट ओपिनियन पे क्या पड़ेगा और हमारी रिपोर्ट पे क्या पड़ेगा। ओपिनियन पे इम्पैक्ट दो चीज़ों, या 700 का ओपिनियन देंगे या हम 705। अगर मैटर मटेरियल है तो ऑब्वियसली 700 अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अगर वो मैटर मटेरियल या मटेरियल परवेजे पे है तो फिर 705 में हम ओपिनियन देंगे। और ओपिनियन क्वालिफाइड भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, तो वहाँ से हम देखेंगे। उसके बाद है रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर इम्पैक्ट 705 से हमारी ऑडिट रिपोर्ट में क्या इम्पैक्ट आएगा, हमें एक बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन जो है उसके अंदर वो रीजंस बताने पड़ेंगे दैट कॉज अस टू चेंज आर ओपिनियन फ्रॉम अनमॉडिफाइड टू मॉडिफाइड। फिर इस तरह रिपोर्ट पे इम्पैक्ट जो जो हम अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते जाएंगे इन कमिंग डेज, फिर 701 से भी हमारी रिपोर्ट में इम्पैक्ट आएगा, 706 से भी इम्पैक्ट आएगा, 720 से भी इम्पैक्ट आएगा, और 570 से भी इम्पैक्ट आएगा विदाउट हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन आर ओपिनियन, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपके साथ लास्ट क्लास के अंदर इन इश्यूज पे जरा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये एक तकरीबन शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन एंड रिपोर्ट हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ये जरूर टेस्ट करता है कि इन इशू इसके बगैर इस फाइनल लेवल पेपर जो है वो सेट हो ही नहीं सकता, ये नॉलेज आपसे टेस्ट किए बगैर कि आप किसी इशू को उसके ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने कुछ जो है वो क्वेश्चन जो हैं लास्ट क्लास में वो मैंने आपके साथ कुछ जो है वो मार्किंग की थी, मैं ज़रा उस पर क्विकली दोबारा से आना चाह रहा हूँ। और मैंने हमने इसकी एक सीक्वेंस बनाई थी, आपको अगर याद हो, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, सो सीक्वेंस मैंने ये बनाई थी, इसको मैंने कहा था 1/7 करेंगे हम, उसके बाद नीचे क्वेश्चन था
इसमें जो नंबर ए सिचुएशन थी मैंने कहा हम 2 बाई 7 करेंगे, देयर टोटल 7 सिचुएशन। उसके बाद वापस सी में आए, 3 बाई 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में गए, फिर फोर बाय सेवन, फिर ऊपर 5 बाय 7, उसके बाद 6 बाय 7, और लास्ट में नेक्स्ट पेज पे जो है ये हमारा 7 जो कि अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम लेटर हम देखेंगे। तो हमने फर्स्ट सिचुएशन डिस्कस की थी, ये तुमने क्लास में भी इसको हमने अप्लाई करके देख लिया था। तो इसमें बताएं प्रॉब्लम 45,000 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर, और हमें लग रहा है कि ये डेट जो है ये रिकवर नहीं होगा और इसके अकाउंट्स में कोई प्रोविजन या इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो हमारे लिए डिसीजन बहुत वेरी इजी, हमने कहा ये बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी है, आप टैक्स को यूज करेंगे, आप देखेंगे अमाउंट ऑफ 45,000 जो है ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर विच अकॉर्डिंग टू अस इज नॉट रिकवरेबल एंड नो प्रोविजन हैज बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस हमने कैलकुलेट की, क्या बन रही थी सिग्निफिकेंस, 45,000 की सिग्निफिकेंस क्या थी जी, और कंपनी का यहाँ प्रॉफिट था 450,000, तो 10% राइट। तो 10% का मतलब है इशू वॉज मटीरियल। तो जब डिसएग्रीमेंट और मटीरियल हो तो हमारा ओपिनियन होगा 705 में तीन हो सकते हैं, या क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर। तो इस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन हम देंगे, और इस मैटर को या दिस नॉन प्रोवियन ऑफ रिसीवेबल को हम डिस्क्राइब करेंगे इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। तो आप इसमें आखिरी लाइन ये लिखेंगे, अ मॉडिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन वुड बी इशूड ऑन अकाउंट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट and the issue would be described in basis for qualified opinion. So this is the correct language and expression of impact on opinion and report. A modified qualified opinion would be issued on account of material misstatement. क्योंकि modified qualified opinion can also be issued on account of inability. इसलिए बेहतर आप mention करें qualified opinion किस वजह से, will fetch you more marks, good marks. ये वो approach है जो मैं आपको बताता रहूँगा for certificate and for gold medal. मॉडिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन अकाउंट ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड दिस इशू या दिस मिस स्टेटमेंट वुड बी डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। ये हमने सिचुएशन की थी। ये जो किसी ने क्वेश्चन पूछा है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, वो बड़ा क्लियर है कि अगर कोई फिजिकल थ्रेट है, आप डिस्क्लेमर की रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, एडवर्स कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि शेयर होल्डर जो हैं वो प्रॉबेबली दे आर दे बिलोंग टू सर्टन ट्राइब एंड दे आर नॉट गोइंग टू लाइक दिस ओपिनियन, और एंगेजमेंट पार्टनर को कोई बहुत फिजिकल थ्रेट हो सकता है, तो आईएसए ने उस 700 ने उसकी इजाज़त दे दी है कि आप पर्सनल नाम ना दें एंगेजमेंट पार्टनर का। बट पाकिस्तान में कोई इसकी एक्सेप्शन नहीं है, तो एससीसीपी में ने तो नहीं है, तो फिर आप एससीसीपी को पहले क्लैरिफाई करा लें कि ये सिचुएशन है, अगर आपको वो अलाउ करता है तो ठीक है, वरना फिर हमें कंप्लाई करना पड़ेगा। बहुत थ्रेट है तो ना करें, तो रिजाइन कर दें फिर आप, ठीक है जी। अच्छा जी, हाउ शुड बी स्टार्ट आर आंसर, चलें जनाब छोड़ें सारी चीज़ें, मुझे ये आंसर जो अभी हमने हमने ये पढ़ा है, ये जो बात की है जुबान में, इसको ज़रा लिख के दिखाएं, चलें जनाब ज़रा हम लिखने की प्रैक्टिस करें, छोड़ें सारी बातें, अभी जो मैंने आपसे जुबानी बातें की हैं, इस आंसर को इन तीन स्टेप्स में ISI अप्रोच में ज़रा तीन लाइनें तो लिख के दिखाएं एग्जाम के अंदर। ये सपोज 5 मार्क्स का ये सिनेरियो है, 1 बाय 7, जरा लिख के दिखाएं मुझे। आप अपने पास जो है नोटबुक में इसको लिखें, फिर आप में से जो भी वॉलंटरली जो है वो माइक पे आना चाहता है वो मुझे बताएं और मुझे सुनाएं, या चैट पे लिख के दिखाएं। टेक 5 मिनट्स, लेट्स राइट इट डाउन, चलें ना।
मैं क्यों लिखूं जनाब, आप लिखें शाबाश और मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो 5 मिनट हैं हमारे पास, 7:23, 7:28 के ऊपर हम आपसे सुनते हैं, आपसे देखते हैं, आप चाहे मुझे सुनाएं चाहे लिखा लिख के दिखाएं, और फिर हम उस पर कॉमेंट करते हैं एंड वी विल रीच टू अ कंसेंसस के हाउ शुड वी बिगिन, हाउ शुड वी गिव द मिडिल पार्ट एंड द एंड। चलें, शाबाश, लिखें जनाब, नोटबुक खोलें, ये सिचुएशन आपके सामने आई एस आई अप्रोच है, मुझे ज़रा अच्छे से आंसर्स को लिख के दिखाएं। ऑब्वियसली देर इज नो आइडियल आंसर, बट देर कुड बी मेनी राइट आंसर। सो हम वो देख रहे हैं कि हमें अवॉइड करना है कि मिस्टेक्स क्या नहीं होनी चाहिए, और वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो आपके आंसर में एग्जामिनर देख रहा है, वो नेसेसरी इंग्रीडियंट्स में, डैट आई विल मेक श्योर ओनली इफ यू शो इट टू मी और टेल मी प्लीज। और ये भी बहुत सिंपल सी सिचुएशन है, बट देर इज नो हार्म इन बिगिनिंग विद ए वेरी सिंपल सिचुएशन। शाबाश, एक 3-4 मिनट्स मोर।
हाँ जी, एनीवन वुड लाइक टू शेयर द कंप्लीट आंसर? हाफिज उस्मा उसामा ने पूरा नहीं लिखा, उम्र का पढ़ते हैं जी। एन अमाउंट ऑफ ₹45,000 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल दैट नो पार्ट एंड नो प्रोविजन इज मेड, मिस स्टेटमेंट इज 10% ऑफ पीबीटी विच इज मटीरियल बट नॉट सो क्वालिफाइड ऑन अकाउंट ऑफ मटीरियलिटी ऑफ एमएमएस। हाँ अच्छा, मैं इस पे जरा रुकता हूँ। ये एफ जो रोल नंबर 625 है उमर फारूक, ठीक है वो टाइपो मैं समझ सकता हूँ, कुछ होंगे इशू इसमें। जो चीज़ काम में है सही आंसर है, गलत नहीं लिखा, बिल्कुल सही है। दो चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए, एक तो 10% कैलकुलेट कैसे हुआ एग्जामिनर को बताना। तो 10% के आगे ब्रैकेट के अंदर 45,000 डिवाइडेड बाय 450,000 जरूर मेंशन करना। नंबर वन, तीन चीजें बताऊंगा ठीक है। नंबर वन, दूसरी चीज, आप कैसे कह रहे हैं 10% मटेरियल होती है, आपको बेंचमार्क भी बताना है विच इज मोर देन 5% ऑफ प्रॉफिट। तो आपने एग्जामिनर को ये भी बताना है 10% क्यों मटीरियल है, क्योंकि ये 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है। ये बेंचमार्क भी बताना जरूरी है। डोंट अज्यूम कि एग्जामिनर को कुछ आता है, एग्जामिनर को नहीं आता, आपने बताना है, आपने लीड करना है। सो बेंचमार्क भी उसको बताना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, मार्क्स लूज हो जाते हैं। कैलकुलेशन भी बतानी है और ये भी बताना है कि 10% इज मोर देन 5% ऑफ प्रॉफिट। तीसरी बात, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट मिसिंग है एंड दिस इशू या दिस अदरवाइज गो डाउन। ओके जी, असद इस्लाम साहब लिख रहे हैं जनाब, वेलकम जी असद साहब। मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड प्रूवियन फॉर एज पर रिक्वायरमेंट एंड दिस रिजल्ट इन डिपार्चर ऑफ IFRS। गुड गुड ओपनिंग, गुड इशू डिस्क्रिप्शन। अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर, चले हम पाक रुपी की बात करेंगे, इज मटीरियल एज दिस रिप्रेजेंट 10% ड्यू टू मटीरियलिटी इशू एंड विल बी इशू एंड इम्पैक्ट विल बी। ओके सही है, बिल्कुल सही। तो तकरीबन लगभग वही के 10% की कैलकुलेशन और उसके बाद बेंचमार्क को थोड़ा सा बताएं विच इज़ मोर देन 5%, और आपने इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन भी बताया और रिपोर्ट भी बताया। गुड ओके। फारूक अब्दुल्ला इनकम्प्लीट है। मिस्टर और मिस डेल, अमाउंट ऑफ ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल एंड नो अलाउंस, ठीक हो गया। एंड दिस इज एन अकाउंटिंग इशू, गुड। एंड इट्स इफेक्ट इज मटीरियल, गुड। क्वालिफाइड ओपिनियन will be issued, has been issued, ने will be issued and this matter will be shown in। वाह जबरदस्त, ठीक हो गया। हाँ I know, बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके नबीला वेलकम। इट इज एविडेंट, नहीं ये जरूरी नहीं, कुछ एविडेंट नहीं है, डोंट अज्यूम कि ये एविडेंट है, एग्जामिनर को नहीं पता। एविडेंट फ्रॉम द अमाउंट इंक्लूडेड इन रिसीवेबल बट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द रिलेवेंट पार्टी एंड प्रोविजन शुड बी मेड अगेंस्ट दिस अमाउंट बट हैज नो प्रोविजन डिसएग्रीमेंट एंड बिकॉज ऑफ नॉन कम्प्लाइंस ऑफ IFRS 9। बाकी आंसर किधर है? अच्छा कोई किसी ने लिखा होगा, मुझे वैसे सुनाना चाह रहा हूँ, जरा वॉइस पे भी आ सकते हैं आप लोग। ₹45,000 is 10 as we know, as ये अब एक्सप्रेशन नहीं है यूज करने, as we know it is evident, as you know, as I know, as auditor know, no one knows, तो ये नहीं कहना, सिंपल कहें विच इज मोर देन 5%। क्यों अपनी बात को क्वालिफाई करें, क्यों डर डर के लेके रहेंगे? आपको पता है ना, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है ये, नहीं आप बताएं। ओके गुड आंसर। अच्छा चलें, अब मैं आपको बताता हूँ, गुड अच्छे आंसर है, ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन मैं तो आपको लेके जा रहा हूँ बहुत अच्छे आंसर्स की तरफ, ठीक है। सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इनको और मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये सब अच्छे आंसर हैं, सब रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, मजीद बेहतर करना है। ओके फर्स्ट था इशू कैसे डिस्क्राइब करना है, मैं कहूँगा ये फैक्ट्स को यूज करें ना, सारा कुछ तो लिखा हुआ आपके सामने, थोड़ा बहुत तड़का लगा दें, प्लस माइनस कर दें, अंग्रेजी यहाँ लिखी हुई है, ये है इशू। अमाउंट ऑफ 45,000 आपके आंसर में 45,000 का जिक्र होना चाहिए, ड्यू फ्रॉम कस्टमर का होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए कि विच अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल नो पार्ट ऑफ दिस डेट विल बी रिकवर्ड। और ये ना कहें यू वी आई, हमेशा थर्ड पर्सन लैंग्वेज में बात करें, कोई जरूरत ही नहीं आइडेंटिफाई करने की कि यू वी मी ये, इस तरह नहीं करना, फर्स्ट पर्सन में नहीं बात करनी, थर्ड पर्सन में बात करनी है। तो नो पार्ट ऑफ दिस डेट इज रिकवर्ड
hence provision should be made which management has not made. तो issue को बिल्कुल समझे, facts को ही borrow करके हमने लिख देना. उसके बाद आपने second point में उसकी significance, this issue constitutes a 10% of profit, ब्रैकेट में 10% का बताएं, 45,000 divided by 450,000. And since this misstatement is more than 5% of profit, hence it is considered to be material. तो आप बताएं ये issue 10% है, आगे calculation के साथ ही ये लिखें, and since this issue is more than 5%, hence it is considered to be material. और last में लिखेंगे, because of this issue, a modified qualified opinion would be issued on account of material misstatement, and this issue, या issue को थोड़ा सा नाम दे दें, and this non-making of provision, या this non-making of impairment provision should be described in basis for qualified opinion section of our audit report. ठीक हो गया जी, good. आगे चलते हैं. Second situation में आते हैं. जल्दी जल्दी आप जरा चलना है, क्योंकि मैं आपके साथ maximum practice भी करना चाहता हूँ और different जो है वो previews और perspective भी दिखाना चाहता हूँ, ताकि फिर हम advanced level question में आए तुम्हारी base अच्छी बनी. तो बिल्कुल सही है मानूर, अगर मैनेजमेंट वो ठीक कर लेती है फिर तो हमारा कोई डिसएग्रीमेंट रहा ही नहीं, फिर तो डिसएग्रीमेंट है ही नहीं, फिर तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन वुड बी इशू, एंड और हमें इसको कहीं डिस्क्राइब नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही होगा. तो हमने अपनी ऑडिट बोर्ड में ये नहीं लिखना कि मैनेजमेंट ने पहले गलत किया था, हमने कहा तो अब इन्होंने सही किया है, नहीं. हम यूजर को सिर्फ फाइनल चीज बतानी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, चाहे उन्होंने खुद से ठीक की थी, हमारे बताने से ठीक ही वो ठीक हो गई है, फाइन, गुड. नंबर टू में आते हैं. अच्छा, इसके पहले फैक्ट्स पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट वो ये है, इम्पैक्ट बताना है. यू आर द ऑडिटर ऑफ बिल्डर्स मर्चेंट, अ लिस्टेड कंपनी विच डिस्ट्रीब्यूट्स मटेरियल्स टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ्रॉम 8 डिपोज इन साउथ ऑफ द कंट्री, एंड यू आर करंटली फाइनलाइजिंग ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2001. योर ऑडिट टेल्स इट प्रूव सेटिस्फैक्टरी विद द एक्सेप्शन ऑफ फॉलोइंग फोर मैटर्स. इस दफा हमें कोई उसने प्रॉफिट या एसेट की कोई फिगर नहीं दी जिससे हम चीज़ों को चेक कर सकें. नंबर ए पार्ट पढ़ते हैं. फिजिकल इन्वेंट्री काउंट शीट फॉर वन ऑफ द डिपोज वर लॉस्ट बिफोर दे वर मेड अवेलेबल टू यू. ओके, सो यहाँ पे अंडरलाइनिंग करते जाते हैं. सो काउंट शीट्स जो हैं वो दे वर लॉस्ट एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू कंफर्म इन्वेंट्री क्वांटिटीज एंड वैल्यू फॉर दिस डिपो बाय ऑल्टरनेटिव मेथड से भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर कहीं हम कोई ऑडिट प्रोसीजर ना लगा सकें तो स्टैंडर्ड कहता है उसको फिर ऑल्टरनेटिवली भी वेरीफाई, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो स्टैंडर्ड कहता है टेढ़ी करके उंगली निकालें, कोशिश करें घी निकले. एनी हाउ डायरेक्टर ने एस्टिमेट किया ये इन्वेंट्री जिसकी काउंट शीट्स नहीं है वो है 75,000 की, और उसने कहा ओवरऑल इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है 6, यानी टोटल इन्वेंट्री 640,000 की, जिसमें से 75,000 का आपको रिकॉर्ड नहीं मिला. वेरी क्विकली इशू किया यहाँ पे, क्या कोई ऐसी बात यहाँ पे कंप्लाई नहीं हो रही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी है, या कोई ऐसी बात है जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखी है कि यू नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और क्या हमें यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है कि एविडेंस नहीं मिल रहा. सो गुड, वेरी गुड, सब सही लिख रहे हैं. लिमिटेशन लिमिटेशन डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये लिमिटेशन एंड एबिलिटी, क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर शुड अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, और उसके बाद जो काउंट शीट्स की या जो काउंट शीट्स होंगी उसके ऊपर वैल्यू लगेगी. तो अगर काउंट शीट्स ही नहीं है तो फिर ऑडिटर कैसे रिलाय करेगा. वेरी गुड, अब इस इशू को लिखना कैसे है, यानी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ओपन करेंगे, कैसे करेंगे, यही जो लिखा हुआ है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, थोड़ा सा इसको ट्रिम कर लें, नहीं हो रहा सेम छाप दें यार, कोई मसला नहीं, यही इशू है. आगे उसकी इंटरप्रिटेशन साथ थोड़ा सा तड़का लगा दें, ये इनेबिलिटी का केस है, यही लिख के ना आगे बता दें ये वो जो कि ये अकाउंटिंग इशू है, डिसएग्रीमेंट है, मिसस्टेटमेंट है, इसके आगे लिख दें ये इनेबिलिटी का केस है, दिस अमाउंट इनेबिलिटी, या ऑडिटर इन दिस सिचुएशन इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट, तो वो तड़का लगा दें, बस आपका इशू तैयार हो जाएगा. अब आए सेकेंड पॉइंट, इसकी सिग्निफिकेंस कैसे चेक करें. आइडियली तो याद रखें मटेरियलिटी का ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल से होता है, हमें सिर्फ ये नहीं देखना इन्वेंट्री में कितनी गलती है, सेल्स में कितनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट होल फाइनेंशियल, और होल फाइनेंशियल तो दो चीज़ों का नाम है, टोटल प्रॉफिट या टोटल एसेट्स या नेट एसेट्स या रेवेन्यू, इसके अलावा नहीं. यहाँ उसने ना सेल्स दिए हैं, ना प्रॉफिट दिया है, ना उसने टोटल कोई एसेट्स दिए हैं,
मजबूरी है, जो उसने सबसे बड़ी बेस बनाई है उसी को यूज कर लें फॉर द टाइमिंग। अब आप कहेंगे कि जो अकाउंट शीट मिस हुई है वो 75,000 है, टोटल इन्वेंट्री डिवाइड करें कितने परसेंट बनता है? 11.7%। ऑल दो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज नॉट अ गुड मेजर टू जज मटीरियलिटी। 11 दिस यानी ये अब आप कहेंगे इज द फर ये दिस लिमिटेशन, अब ये डिसएग्रीमेंट नहीं है, मिसस्टेटमेंट नहीं है, दिस लिमिटेशन अमाउंट्स टू 11.7% ऑफ टोटल इन्वेंट्री। ब्रैकेट में बताएंगे 75,000 डिवाइडेड बाय 640, तो दिस लिमिटेशन अमाउंट्स टू 11.7% या राउंड कर लेते हैं 12% ऑफ टोटल इन्वेंट्री विच इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल, इस तरह आप कर लें, या विच इज मोर देन 5% या मोर देन, अब एक्चुअली वो 5% या 1% वो प्रॉपर बेसिस हो उसके लिए जस्टिफाई करना। टोटल इन्वेंट्री है तो आप सिंपल लिखें 11.7 या 12% ऑफ इन्वेंट्री विच इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल, मतलब आपने एग्जामिनर को ये बताना जरूर है कि 11-12% से आप क्या जज कर रहे हैं, क्या कुछ बेंचमार्क से जज कर रहे हैं या अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज कर रहे हैं। तो खाली फतवा नहीं दे के दिस इज मटीरियल, दिस इज कंसिडर टू बी मटीरियल, दिस इज जज टू बी मटीरियल, इस तरह से आप इसको कवर करेंगे। इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन पे आ जाएं, दिस लिमिटेशन बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन ए मॉडिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन वुड बी इशूड ऑन अकाउंट ऑफ इनएबिलिटी या ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन ऑन स्कोप, एंड दिस लिमिटेशन वुड बी डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर कोड। बिल्कुल ठीक हो गया, हो जाएगा, लिख लेंगे इसको। नहीं वो है ही नहीं, नहीं नबीला वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रिपोर्टिंग के वक्त चेक नहीं करते, वो प्रोसीजर्स अप्लाई करते हुए, इस वक्त हम इवेल्युएशन और रिपोर्ट वाले फेज पे हैं, यहाँ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का ताल्लुक था टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कौन सी आइटम पिक करनी है चेक करने के लिए, रिपोर्ट पे इम्पैक्ट के लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे मटेरियलिटी फॉर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को हम लेके चल रहे हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ताल्लुक परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर से है, आज हम इवेल्युएट कर रहे हैं रिपोर्ट कर रहे हैं, सो पीएम इज नॉट टू बी कंसिडर्ड हियर। अच्छा जनाब दो सिचुएशन हो गई मैंने आपके साथ, एक एक अकाउंटिंग वाला इशू डिस्कस किया और एक ऑडिटिंग वाला मैंने किया, आइए अब एक और देखते हैं, नंबर थर्ड देखते हैं जो मैंने अपना मार्क किया। ओके नंबर सी पढ़ते हैं, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट अ डायरेक्टर वॉज इनडेटेड टू द कंपनी फॉर एन अमाउंट ऑफ 22,000 ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 फरवरी 2009। हाँ जनाब इशू बताएं, डायरेक्टर वॉज इनडेटेड है और वो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया, ये डिस्क्लोज करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट? अब्दुल्ला कह रहे हैं अकाउंटिंग इशू है, कोई और बताएं। IS-24 बहुत अच्छा तड़का लग गया, ये अदरक वाला तड़का लग गया, IS-24 प्याज वाला तड़का लग गया, जबरदस्त जबरदस्त। तो आप सिंपल लिखेंगे यही फैक्ट है, आप लिखेंगे एज पर IS-24, अगर आता है श्योर है तो लिख दें, नहीं आता पंगा ना लीजिएगा, सिंपल लिख दें एज पर IAS दिस नीड्स टू बी डिस्क्लोज। IS-24 इतना कॉमन है याद तो रह गई, तो एज पर IS-24 दिस नीड्स टू बी डिस्क्लोज एट डायरेक्टर वॉज इंडेटेड एंड नो डिस्क्लोजर हैज बीन मेड। आप आए इशू तो हो गया, मैं समझ में आ गया इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी क्वान्टिटेटिव तो ये जो निकला है चेक करते हैं क्वान्टिटेटिवली, कितने का डिस्क्लोजर है 22,000 का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, 4.88। इग्नोर कर दें इमटीरियल, क्योंकि 5% ऑफ प्रॉफिट से मटीरियलिटी लेवल शुरू होता है, हर इशू को इंडिविजुअली देख रहे हैं। ओके डेल कह रहे हैं, मिस्टर डेल या मिस डेल कह रही हैं अनमॉडिफाइड, हाँ देखें ये गलत काम कर रहा था मैं भाई, एक चीज जो डिस्क्लोजर है उसका प्रॉफिट डिस्क्लोजर देने ना देने से, अगर वो दे भी देते डिस्क्लोजर प्रॉफिट की अमाउंट पे क्या फर्क पड़ना था। डिस्क्लोजर्स हैज नो अफेक्ट ऑन टोटल एसेट नेट एसेट रेवेन्यू और प्रॉफिट, दिस इज रॉन्ग टू कैलकुलेट मटीरियलिटी क्वान्टिटेटिव बेसिस के ऊपर इन केस ऑफ डिस्क्लोजर। इस 22,000 का प्रॉफिट पे कोई ताल्लुक नहीं है,
आपने इस इशू के बारे में सिंपल एक वर्ड लिखना है, मेरे वर्ड ध्यान से सुन लीजिएगा फिर लिख लीजिएगा। दिस इशू इज कंसिडर्ड टू बी, या दिस नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इज कंसिडर टू बी मटीरियल ऑन अकाउंट ऑफ क्वालिटेटिव बेसिस। ठीक है, सो आपके क्वालिटेटिव बेसिस के ऊपर या बिकॉज ऑफ नेचर। तो यहाँ क्वांटिटेटिवली एप्लीकेबल नहीं है, इस दफा बात जो है क्वालिटेटिव। और आप ये लिख सकते हैं ये भी कि डिस्क्लोजर्स आर मटीरियल बाय नेचर, डिस्क्लोजर्स आर एटलीस्ट मटीरियल बाय नेचर, क्योंकि हमने कुछ ऐसे भी डिस्क्लोजर देखेंगे जो कि फंडामेंटल भी हो सकते हैं। जो फंडामेंटल डिस्क्लोजर प्रॉब्लम होगी वो फिर मटीरियल एंड परवेजिव भी हो सकता है, बट डिस्क्लोजर्स आर मटीरियल एटलीस्ट मटीरियल बाय नेचर। यही आप एक्सप्रेशन देखेंगे, दिस नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल ऑन अकाउंट ऑफ नेचर या बिकॉज ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर। तो इसको आप ऐड करें, बताएं क्वालिटेटिव फैक्टर की वजह से मटीरियल है ड्यू टू इट्स नेचर है, बट नो क्वांटिटेटिव मेंशन नहीं होगा। अब जी बिल्कुल, जब मैं कह रहा हूं कि क्वालिटेटिवली मटेरियल होंगे, एटलीस्ट मटेरियल होंगे, तो इसका मतलब है डिस्क्लोजर चाहे कोई हम जो मर्जी कहते रहे स्टैंडर्ड में लिखा हो आप चेक कर लें, बट इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन, चाहे वो 0 रुपए का डिस्क्लोजर। जनरल रूल ऑफ थंब यही है। तो तीसरी चीज इम्पैक्ट, अब आपको पता है अकाउंटिंग इशू हो गया, क्वालिफाइड हो गया, तो ओपिनियन में क्या लिखेंगे? इन दिस सिचुएशन अ मॉडिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन वुड बी इशूड ऑन अकाउंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, ऑन अकाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट, या ऑन अकाउंट ऑफ ओमिशन ऑफ अ डिस्क्लोजर। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड दिस ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर या एंड दिस इशू, एंड दिस इशू या एंड दिस ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर शुड बी डिस्क्राइब्ड इन, कहाँ डिस्क्राइब करें? दिस ओमिशन या दिस नॉन डिस्क्लोजर, इस इशू को कहां डिस्क्राइब करना है? शाबाश, वेरी गुड। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन। अभी अब मैं आपको वो थोड़ा सा लीवरेज दे रहा हूं टाइपिंग की वजह से, बट बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है थोड़ी थोड़ी जो है वो गाड़ी चल पड़ी है, दवा दवा हो गई है, मुझे लग रहा है स्टेशन छोड़ दिया है हमारी ट्रेन ने, और अब हम थोड़ा सा इसमें स्पीड को भी पिक कर सकते हैं। अच्छा ये भी देख लें कि कुछ लोग बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, सही वर्ड लिखने हैं बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, तो फॉर की जगह ऑफ नहीं होना चाहिए, और बेसिस ऑफ ओपिनियन या फॉर ओपिनियन नहीं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, तो बेसिस फॉर, तो ये एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। एनी हाउ नंबर फोर सिचुएशन, नेक्स्ट पेज, वही पेज है नीचे, फोर्थ सिचुएशन जिसमें कोई मटीरियलिटी का हमारे पास केसेस नहीं था। हाँ कर सकते हैं मुनीम, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुनीम, इंशाल्लाह कल स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड कहता है जब डिस्क्लोजर हमें टू है ना, तो अगर ऑडिटर बना सकता है तो बेसिस और क्वालिफाइड वो बना के दिखाए यूजर को कि दिस वुड दिस इज वॉट डिस्क्लोजर वुड हैव बीन लुक लाइक। बिल्कुल, हम या तो जिक्र कर दें कि डिस्क्लोजर नहीं बनाया, लेकिन अगर हम बना सकते हैं तो बना के देना है। ये वो स्टैंडर्ड के पैराग्राफ से मैंने मार्क कराया, कल इंशाल्लाह इसको बात करेंगे। तो आपने सही बात की, बिल्कुल हम बना सकते हैं। नंबर फोर सिचुएशन, वेरी सिंपल वन लाइन, मुझे बहुत जल्दी जवाब नहीं चाहिए। क्या है सिचुएशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिल्डर मर्चेंट डू नॉट कंटेन ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। 5 स्टेटमेंट का ऑडिट होता है कंपनी ने, 1 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट बनानी है, इसको ऑडिट करें, जो करना है करें। अब टेक योर टाइम, अब आपने मुझे लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने, मुझे आपने अब आंसर बताना है सिर्फ 3 लफ्जों में। 3 लफ्जों का मतलब ये है 3 पॉइंट्स आप चैट में लिखेंगे, मसलन या तो आप लिखेंगे, आप सिंपल लिखें सबसे पहले, या तो आप लिखेंगे DWM या लिख दें LOS, या आप लिखें अकाउंटिंग स्लैश ऑडिटिंग नंबर वन। दूसरा आप मुझे बताएं, या तो आप कहें इन मटीरियल, या आप लिखें मटीरियल, या आप लिख दें मटीरियल एंड परवेसिव, और तीसरे में आप मुझे ओपिनियन बता दें, क्वालिफाइड ओपिनियन होगा, ए होगा, एडवर्ब या डिस्क। सिंपल मुझे अपनी चैट में आपने ये आंसर लिख के बता दें।
इशू क्या है एक वर्ड में, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है एक वर्ड में, ओपिनियन पे क्या इफेक्ट होगा एक वर्ड, तीनों इकट्ठे करके बताएं, वरना फिर ऊपर नीचे वो मिक्स हो जाएगा, किसी की एक बात फिर दूसरे की दूसरी बात, तो तीनों बातें ताकि एक आंसर कंप्लीट हो। अगर अकाउंटिंग है तो उससे आगे क्या होगा। ओके, फरुख ने जवाब सही स्पिरिट में दिया, डिसएग्रीमेंट मटीरियल क्वालिफाइड, ओके गुड, इस तरह मुझे आंसर चाहिए। अच्छा, मैं अभी ये नहीं कह रहा ये सही है यानी, बट सही एक्सप्रेशन यूज किया जो मैं चाह रहा था, गुड। उसामा कह रहे हैं डिसएग्रीमेंट मटीरियल क्वालिफाइड, F67 अकाउंटिंग मटीरियल क्वालिफाइड, असद कह रहे हैं अकाउंटिंग ओमिशन क्वालिफाइड, अकाउंटिंग मटीरियल क्वालिफाइड, डिसएग्रीमेंट मटीरियल एंड परवेजिव एंड एडवर्स, फारूक अब्दुल्ला का डिफरेंस आया। अमाद कह रहे हैं ऑडिटिंग लिमिटेशन ऑन स्कोप डिस्क्लेमर, डेल कह रहे हैं अकाउंटिंग मटीरियल, तो सारे रंग बिरंगे ओपिनियन आ रहे हैं यहाँ, क्वालिफाइड भी आ गया, एडवर्स भी आ गया, डिस्क्लेमर भी आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देख लें, एक इशू मैंने आप पे छोड़ा है, मिलके फैसला कर लें, और आपने मुझे कलरफुल ओपिनियन देने शुरू कर दिए, स्टार्टिंग विद क्वालिफाइड, फिर एडवर्स और फिर डिस्क्लेमर भी दिया आपने, वेरी गुड। क्या रह गया, अनमॉडिफाइड नहीं किसी ने लिखा, चलो शुक्र है, शुक्र है अनमॉडिफाइड, अच्छा माशाल्लाह आ गया जी, सही है सुजील का भी, डिसएग्रीमेंट है इमटीरियल और अनमॉडिफाइड है, हाँ ठीक है सुजील, इसकी कसर रह गई थी। तो सारे टाइप के ओपिनियन तो हो गए, 700 का ओपिनियन भी आ गया इस सिचुएशन में, और 705 के तीनों ओपिनियन आ गए, क्वालिफाइड भी, एडवर्स भी, डिस्क्लेमर भी, माशाल्लाह। ये है हमारी जो है वो सिंक्रोनाइजेशन। हाँ, ये फायदा या नुकसान होता है डेमोक्रेसी का, जब हर किसी को अपने अपने ओपिनियन का जब जो है वो हक दे दिया जाए और इजहारे वो राय की आज़ादी दे दी जाए, तो फिर ये होता है ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ओके, 727 हाँ जी, चले आए, अब जरा आए, आप जरा सीरियस टॉक हो जाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ओके फारूक अब्दुल्ला, चले नहीं, मैं नेम कॉलिंग नहीं कर रहा जी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, कंपनी को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनानी चाहिए, ये बात कहाँ लिखी हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक में या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बुक में, ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये कहाँ लिखी हुई है बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग, तो फिर जो लोग कह रहे थे लिमिटेशन है, जो कह रहे थे डिस्क्लेमर है, वो कहां से आ गए, जब अकाउंटिंग मैटर है, IAS 1 और IAS 7 कहता है कंपनी ने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है, तो हमारा आंसर यहाँ पे लॉक हो गया, दिस एग्रीमेंट अकाउंटिंग इशू या क्वालिफाइड होगा या एडवर्स होगा। अब डिस्क्लेमर की तो यहाँ बात ही नहीं हो सकती, ऑडिटिंग इशू नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है कि जनाब कैश फ्लो बनाए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना, IAS 1 और IAS 7 में लिखा है, तो ये ISI अप्रोच का ये कि आपके थॉट्स क्लियर हों, अगर आप स्टार्ट ही सही नहीं लेंगे तो यू विल एंड अप नोवेयर, तो स्टार्ट सही होना चाहिए, अकाउंटिंग या ऑडिटिंग। तो मेरा ख्याल है इसमें मजीद तो कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं कि ये अकाउंटिंग इशू क्यों है, या आप मुझे कहें ये ऑडिटिंग इशू क्यों नहीं है, दिस इज वेरी मच क्लियर। तो जिसने ऑडिटिंग इशू लिखा था, यू नो हु यू आर, ठीक है, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप जानते हैं आप कौन है, लिहाजा इसको करेक्ट करें, तो अकाउंटिंग इशू। अब असल फड्डा इसकी सिग्निफिकेंस पे, मोस्ट ऑफ अस फिगर इट आउट वेरी करेक्टली कि हाँ ये अकाउंटिंग इशू। अब अगली बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर नहीं बन रही तो क्या ये इतना छोटा मामला है कि हम इसको कहें ये मटेरियल है, चल खैर है यार, क्या है, एक स्टेटमेंट ही नहीं, चार तो बनाई है ना, क्या इसको इग्नोर कर दें, नहीं मेरा नहीं, ये इतना छोटा मामला नहीं है कि इसको इग्नोर किया जाए। अब मैं आपको एक थॉट प्रोसेस भी दे रहा हूँ
कि हमने चीजों की सिग्निफिकेंस को कैसे जज करना। देखें, हमेशा जो थॉट प्रोसेस है ना सिग्निफिकेंस का, वो ये कि एक्सट्रीम्स को एलिमिनेट करें। सबसे पहले सोचें, क्या ये इतना छोटा मामला है कि इग्नोर किया जा सकता है? यानी सोचें कहीं इमटीरियल तो नहीं है। यानी मैं आपको जो थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ वो ये है कि मटीरियलिटी का ना सोचें, ये सोचें ये कहीं इमटीरियल तो नहीं है, या क्या ये कहीं मटीरियल परवेजिव तो नहीं है। इस तरह सोचें, ऑलवेज एलिमिनेट द एक्सट्रीम। क्या ये इतना छोटा मामला है कि इसको इग्नोर करें? नहीं, ये इतना छोटा मामला नहीं है, दिस कैन नॉट बी इमटीरियल। दूसरी बात, क्या ये इतना बड़ा मामला है कि हम कहें कि सब कुछ ही गलत है? क्या ये इतना बड़ा मामला है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ना बनाना, और अज्यूमिंग कि बाकी चार स्टेटमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, सारे इनकम, सारे एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, नेट एसेट, इक्विटी, सब कुछ सही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सही बनी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनी है, नोट्स और जो डिस्क्लोजर्स हैं अकाउंट वो भी सारे सही बने हुए हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नहीं बनी। अब ये आपने अपने दिल से पूछा कि ये बातें आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, जिस तरह आपने कहा ना कि नहीं इतना छोटा मामला इग्नोर करें। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए, आपके अंदर से आवाज, क्या ये इतना बड़ा मामला है कि मैं सब कुछ ही गलत है, उड़ा दो दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डू नॉट गिव इट टू इन फेयर व्यू। क्या अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि सब कुछ ही गलत है, सब कुछ उड़ा दो? नहीं, सही बताना है। नहीं आ रही ना आवाज, इतना बड़ा मामला नहीं है यार, चार स्टेटमेंट, और उन चार स्टेटमेंट भी देखें, एक और बात, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना, कहने को तो पांचों उंगलियां है पर पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो कहने को पांच स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पांच स्टेटमेंट्स होती हैं कलेक्टिवली जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई मतलब पांचों स्टेटमेंट बराबर नहीं है। जो रुतबा और हैसियत स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का है, उमर हम बहस नहीं करेंगे, हम लर्न करेंगे, सही है? तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा आपकी बात, ठीक है, हम लर्न कर रहे हैं। सो जो रुतबा और जो अहमियत स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम की है या हो सकती है, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की नहीं हो सकती। क्योंकि हम बेशक कैश फ्लो को एक स्टेटमेंट का नाम दे दें, बट अज्यूमिंग कंपनी क्या ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंसेस वेरीफाइड है, करंट ईयर के क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंसेस वेरीफाइड है, कोई एतराज नहीं है, कोई मसला नहीं है। वॉट डज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रिप्रेजेंट? इट इज एसेंशियली अ रेकन्सिलिएशन ऑफ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सेग्रीगेटिंग ऑल दी एक्टिविटीज इन टू थ्री, वो आपको पता, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बट ओपनिंग कैश बैंक इक्विवेलेंट सही है, क्लोजिंग भी सही है, सब कुछ सही है। एक कंपनी ने IS-7 को वॉयलेट किया है, दिस मच वी एग्री, वॉयलेशन है एंड कंपनी शुड नॉट गेट स्पॉट फ्री, ये मटेरियल इशू। लेकिन क्या ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सब कुछ गलत है? प्रॉबली नॉट, प्रॉबली नॉट। तो आई वुड से ये एक मटेरियल इशू है। इसको एक और एंगल से सोचें, कोई नहीं पता चलता, वैसे गलत है, गोइंग कंसर्न का इशू करंट ईयर से नहीं, गोइंग कंसर्न के इशू के लिए अगले 12 मंथ की कैश फ्लो चाहिए, प्रीवियस 12 मंथ की कैश फ्लो इज ऑफ नो यूज फॉर गोइंग कंसर्न, ठीक है, ये भी हम करेक्ट करेंगे। अच्छा, अब इसको एक और एंगल से सोचें, बहस नहीं करनी, बहस नहीं करनी, हमने सीखना। अगर यही सिचुएशन हो, सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज का कुछ नहीं पता, बाकी सारी चार स्टेटमेंट मौजूद है, गुड। देखिए शारे कितनी अंदर से वादी और कितनी आवाज अंदर से, कैप्स में कैपिटल लेटर निकल रहे हैं अंदर से, यस नाउ दिस इज मटी, क्योंकि आपकी डबल एंट्री से कंप्लीट नहीं हो रही, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो आपको पता ही नहीं डेबिट्स और क्रेडिट्स किधर जा रहे हैं, तो ये फर्क है। दिस इज मटीरियल परवेजिव, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आई वुड से एडवर्स ओपिनियन, मटीरियल एंड परवेजिव, बट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नहीं बनाई, इन मटीरियल नहीं होगा, बट मटीरियल परवेजिव भी नहीं होगा, मटीरियल होगा। सेम गोज फॉर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वॉट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, रेकन्सिलिएशन ऑफ ओपनिंग इक्विटी बैलेंसेज विद क्लोजिंग इक्विटी। अगर आपके इक्विटी बैलेंसेज वैसे वेरीफाइड हैं, रेकन्सिलिएशन नहीं बनी, ओपनिंग क्या था ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट को शो नहीं किया, डिविडेंड पेड वहां पर नहीं दिखाया, जो कि अदरवाइज सारी चीजें वेरीफाइड हैं, क्वालिफाइड, डोंट
ये वेट हो चुकी है। तो नंबर वन डिस्क्लेमर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अकाउंटिंग इशू चॉइस थी। अब जो टाई बड़ी थी वो क्वालिफाइड या एडवर्स, हमेशा नाम पे ना जाए काम पे जाए। ये देखें ठीक है, पांच में से एक स्टेटमेंट नहीं बनी, ये देखें व्हाट डज दैट स्टेटमेंट डू, उसका काम क्या, उसका फंक्शन क्या। ठीक है, तो आप अब इस बात को हमने समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, इसमें अब हमने वो कट बहसी नहीं कर रही कि भाई ऐसा नहीं है, वॉयलेशन है इन मटीरियल तो नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि सब कुछ ही गलत है, दैट इज ऑल। नेक्स्ट सी, तो ये फोर्थ सिचुएशन होगी। अब इसके बाद मैं आपको आज फर्दर पढ़ने के लिए ये एक फिफ्थ वाला दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा, ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। और इसके बाद ये सिक्स वाला जरा दोबारा देख लीजिएगा, जो फिफ्थ और सिक्स जरा आप देख लीजिएगा, कल हम इसके ऊपर बात कर लेंगे अगर आपको प्रॉब्लम हुई। और जो सेवन्थ होगा ये तो हमने करना ही बाद में है, ये अभी आप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम इंशाल्लाह जो है ना वो ISA 706 को टच कर रहे हैं, जो कि इस वक्त अभी हमने नहीं करा है। ठीक हो गया, एक और क्वेश्चन करते हैं क्लास में छोटा सा, मैं चाहता हूँ जरा ये चीज़ क्लियर हो जाए, फिर हम जरा बड़े लेवल पे कराते हैं और नई चीज़ें भी सीखते हैं जी। नहीं जी कल क्लास नहीं है, आज पर शेड्यूल चलेंगे, कल थी जो कि नहीं हुई, हॉलीडे थी, अब आज हो गई है, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीक में होगी। अच्छा जी, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आज जो है वो बुक में लगाया था, आइए इसमें भी जरा जल्दी से जल्दी का मैंने एक और डायमेंशन आपको दिखानी है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और अभी तक याद रखें कि मैं आपके साथ ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये अभी मैंने इस लेवल पे तो मैं आया ही नहीं, इसलिए कि अप्रोच सही होगी तो फिर हम इश्यूज को समझेंगे ना, ये बेसिक्स में नहीं जाएंगे कि क्या ओपिनियन होना है क्या नहीं होना है। ओके सो ये क्वेश्चन है, पास पेपर का ये क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब ये रिक्वायरमेंट वही है, देखें उसी तरह की जिसमें मैंने कहा डिस्कस पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। मैंने आपके साथ जो सिचुएशन यहाँ पे इसको डिस्कस करनी है वो करनी है जी बी और सी, पहले इसमें से सबसे पहले ये सी करूँगा 1/3, फिर ये होगी बी, और इसके बाद जो नंबर ए है ना ये हम करेंगे लेटर ऑन जब हम 701, ये मैं जो भी लिख रहा हूँ ना लेटर ऑन, इंशाल्लाह इन पे हम वापस आएंगे, विल गेट बैक टू दी एग्जाम्पल। तो मैंने 1 और 3 आपके साथ पहले डिस्कस करनी है, नंबर 1 पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही है। आई क्वेश्चन पढ़ते हैं, यू आर दी ऑडिट पार्टनर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सम ऑफ द ऑडिट्स आर इन फाइनलाइजेशन स्टेज एंड प्रेजेंटली फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर योर कंसिडरेशन। नंबर सी, मैनेजमेंट ऑफ लैला लिमिटेड इज नॉट विलिंग टू मेक सर्टन डिस्क्लोजर्स। अच्छा यहीं रुक जाए, कंपनी डिस्क्लोजर बनाने के लिए तैयार नहीं है, इशू क्या है, अकाउंटिंग या ऑडिटिंग, यक जान हो के यक आवाज हो के जला रहा है, माशाल्लाह ऑडिटिंग, जिसने भी लिखा है ऑडिटिंग वो कानों को हाथ लगाएं और 3 दफा तोबा 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 करें। डिस्क्लोजर अकाउंटिंग इशू है, डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे होते हैं, ऑडिटिंग में नहीं लिखे। आगे चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ लैला लिमिटेड इज नॉट विलिंग टू मेक सर्टेन डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट दीज डिस्क्लोजर विल नॉट एड एनी वैल्यू टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखें जो चीज स्टैंडर्ड में लिखी है मैनेजमेंट जो मर्जी सोचती रहे समझती रहे वो एप्लीकेबल नहीं है, अनलेस अनटिल मैंने आपको फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बताया था कि सर्टन डिपार्चर्स आर अलाउड विच आर वेरी रेयर, और वो भी मैनेजमेंट को प्रूव करना पड़ता है और उसके लिए बड़े एक्सटेंडेड डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। तो सिर्फ मैनेजमेंट का ये कह देना नहीं नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं हम नहीं देंगे हम ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे विदाउट फुलफिलिंग द फुल रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग डिपार्चर फ्रॉम एन IFRS, तो ये आपकी मिस स्टेटमेंट ही कंसिडर होगी। मैनेजमेंट कह रही है कि जनाब नहीं हमने ये डिस्क्लोजर नहीं देना। फर्दर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक दिस डिस्क्लोजर कैन नॉट बी कम्प्लीटेड बिफोर द डेडलाइन फॉर कम्प्लीशन ऑफ द ऑडिट। ये स्टेटमेंट टेक्निकली रेलेवेंट है, दिस हैज नो बेयरिंग टू आवर आंसर। सो डिस्क्लोजर चाहिए, कंपनी ने डिस्क्लोजर नहीं दिया। आ जाए जनाब इशू क्या है, अकाउंटिंग क्लियर है जी।
और अकाउंटिंग का मतलब है या क्वालिफाइड होगा या एडवर्स होगा जी, सिंपल, क्वालिफाइड होगा या एडवर्स होगा। सिग्निफिकेंस, डिस्क्लोजर नहीं दिया, इनमटीरियल या मटीरियल एंड परवेजिव, क्या जर्नल डिस्क्लोजर ना देना इतना छोटी बात है कि मटीरियल कर दे, नहीं, क्या कोई भी डिस्क्लोजर वो खास दे, कोई भी डिस्क्लोजर ना देना इतना बड़ा होता है कि मटीरियल परवेजिव हो जाए, नहीं इतना भी नहीं होता। तो डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एटलीस्ट टू बी मटीरियल, दे आर मटीरियल बाय नेचर, दे आर मटीरियल ऑन क्वालिटेटिव टर्म्स। क्या ओपिनियन होगा इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन कौन सा ओपिनियन, मॉडिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन अकाउंट ऑफ, क्योंकि क्वालिफाइड ओपिनियन दो अकाउंट पे दिया जा सकता है, इनएबिलिटी भी, डिसएग्रीमेंट, तो मॉडिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, ऑन अकाउंट ऑफ अकाउंटिंग इशू, ऑन अकाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट, एंड दिस ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर शुड बी डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। यहाँ तक भी काम जो है वो बिल्कुल सिंपल सा था, कोई इसमें इतना मसला नहीं था। 2/3, 2/3 बड़े ध्यान से समझना। अब ये 2/3 में एक नई, हम एक नई स्किल लर्न करने लगे। देर इज अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मारवी लिमिटेड एंड वन ऑफ इट्स कस्टमर्स, इन दिस रिगार्ड द लीगल एडवाइजर हैज कंफर्म। अच्छा मैं सॉरी एक चीज बता दूं, ये नंबर सी के जो सोल्यूशन है ना, ये मैंने लगाया यहाँ पे सोल्यूशन, मुझे जरा नंबर सी का सोल्यूशन पढ़ के जल्दी से बताएं इसमें क्या मिस्टेक, एग्जामिनर से एक मिस्टेक हो गया, चले आए जनाब, गुड इंसेंटिव, आइडेंटिफाई अ मिस्टेक फ्रॉम द एग्जामिनर, क्या मिस्टेक, क्या गलती की है, सी के आंसर को पढ़ के मुझे बताएं। शाबाश, हमें बड़ा शौक होता है ना दूसरों की गलतियां निकालने का, निकालें जरा गलती, क्या है एग्जामिनर की, वी आर गुड एट फाइंडिंग फॉल्ट ऑफ अदर्स। तो अभी मैं आपको खुद इनवाइट कर रहा हूँ, हाँ बताएं क्या गलती की है एग्जामिनर। जी असर पॉसिबल इम्पैक्ट तो आना ही नहीं है। ओके आप देखें मैं क्या कह रहा हूँ, सब कुछ सही है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, ये भी सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही 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 ऑन दी बेसिस ऑफ दैट, बस ये क्वालिफाइड ओपिनियन देना है ऑन दी बेसिस ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ, ये वर्ड गलत है, सब कुछ सही था, यहाँ ऑन दी बेसिस ऑफ क्या लिखें, ऑन दी बेसिस ऑफ मटीरियल मिस्टेक, ऑन द बेसिस ऑफ डिसएग्रीमेंट बुकमार्क, उसने सब कुछ सही लिखा है इंटरप्रिटेड, बस सिर्फ वो जो क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन अकाउंट ऑफ इनएबिलिटी कह दी, जबकि इनएबिलिटी नहीं है, दिस इज मटीरियल मिस्टेक। चल हाँ बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन उसने लिखना, उसे लिखना चाहिए क्वालिफाइड ओपिनियन, ये भी बिल्कुल सही, ये है, ये जो आपने, ये है क्रिटिकल एवेल्युएशन, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन ही बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, वेरी गुड। हाँ अब देखें हम दूसरों की गलतियां कितनी अच्छी निकालते हैं, जब खुद लिखते हैं तो हम कितनी चीजें छोड़ जाते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जामिनर शुड नो, ये तो उसको पता ही होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, करना ही नहीं हमने डिस्क्लोज, तोड़ दें उसको, चले आए अब आप जल्दी से आए वापस, अब लर्निंग करते हैं नंबर टू में, एक नई लर्निंग। देर इज अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मारवी लिमिटेड एंड वन ऑफ इट्स कस्टमर्स, इन दिस रिगार्ड द लीगल एडवाइजर हैज कंफर्म द स्टांस ऑफ मैनेजमेंट, लीगल एडवाइजर ने कहा जो मैनेजमेंट कह रही है सही है, ठीक है, चाहे वो प्रोवियन है चाहे वो डिस्क्लोजर है हमें नहीं पता, I-37, लीगल एडवाइजर हैज कंफर्म द स्टांस ऑफ मैनेजमेंट इन अ मीटिंग विद यू, हाउएवर ही हैज रिफ्यूज टू प्रोवाइड ए रिटन कंफर्मेशन देयर ऑन। उन्होंने कहा भाई जुबानी कहना, वो लिख के नहीं कुछ देना, लिख के नहीं कुछ देना। हाँ जी इशू, इशू बोलिए,
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है कि लीगल एडवाइजर को लिख के हमें कंफर्मेशन देनी है, या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये लिखा है कि ऑडिटर ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है और अगर कोई कंफर्मेशन लेनी है वो डायरेक्ट होनी चाहिए और राइटिंग होनी चाहिए। प्लीज खुदा के लिए कोई अकाउंटिंग ना लिख दे यहाँ पर, ठीक है? ऑडिटिंग, थैंक यू थैंक यू। तो ऑडिटिंग इशू, तो ऑडिटिंग इशू का मतलब हमारा आंसर लॉक होने लगा है या क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। अब लर्निंग वाली बात, क्या लिखा है, क्या करें, कैसे सिग्निफिकेंस जज करें? वो कह रहे हैं एक लीगल डिस्प्यूट है ना, डिस्प्यूट की अमाउंट है ना, उसने कहा कि बड़ी डिस्प्यूट है छोटी डिस्प्यूट है ना, टोटल प्रॉफिट है ना, कुछ कुछ बताए ही नहीं। अब क्या करें, अब हमें तो सिग्निफिकेंस आगे बतानी है, क्या करें सिग्निफिकेंस? वेरी गुड फॉर, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट मेक और टेक वन अजम्पशन। क्वेश्चन दोबारा देखें, डिस्कस पॉसिबल इंपैक्ट, जो जो कुछ इस सिचुएशन में ऑडिट रिपोर्ट पे हो सकता है सब बताओ। तो देखें दो तरह के क्वेश्चंस हैं, जहां पे अभी हमने पहले किया स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन थी, इतना टोटल प्रॉफिट है, इतने की गलती है, इतनी टोटल इन्वेंट्री है, इतने का रिकॉर्ड नहीं मिला, उसका वन आंसर होगा, या इमटीरियल है तो अनमॉडिफाइड, या क्वालिफाइड, या एडवर्स, या डिस्क्लेमर, एक आंसर। लेकिन जब ओपन एंड एग्जामिनर क्वेश्चन छोड़ देता है, आपको ना टोटल कोई अमाउंट बताता है ना उस इशू की अमाउंट बताता है, आपने कहना ये अकाउंटिंग या ऑडिटिंग, इसके बाद जो पॉसिबिलिटी है, जो जो पॉसिबिलिटी, और अभी तो हम सिर्फ 700 705 है ना, कल को पॉसिबिलिटी 701 भी हो सकती है, तो सारी पॉसिबिलिटीज बताएं। मसलन पहले तो आपने कह दिया रिटन कन्फर्मेशन नहीं दे रहा, दिस विल अमाउंट टू ऑडिटर्स इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। आप कह सकते हैं कि हमें डायरेक्ट कंफर्मेशन जो है, इनराइटिंग जो है, वो नहीं मिला, बात हो गई। अब आपकी अप्रोच आंसर को जरा देखिएगा, अब बेस्ट अप्रोच ये होगी कि ये जो एस और आई है ना, इसको जरा मिला के लिखना है। अब मेरे अल्फाज गौर से सुनिएगा, फिर आपने उसको अपने तौर पर लिख भी लेना। अब आपने पहले तो आगे, इफ द मैटर इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल देन अ मॉडिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन वुड बी इशूड ऑन अकाउंट ऑफ इनएबिलिटी एंड मैटर वुड बी डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। एक लाइन छोड़ दो, इफ द मैटर, इफ द इशू इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल एंड परवेसिव देन अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वुड बी इशूड। और अब कहने की जरूरत नहीं ऑन द बेसिस ऑफ इनएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि अब डिस्क्लेमर पता है होता ही इसमें, तो लिख भी नहीं चले खैर है, बट क्वालिफाइड के साथ जरूर लिखें, ये सर्टिफिकेट वाला पॉइंट है। सो इफ द मैटर इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल एंड परवेसिव, अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वुड बी इशूड एंड द मैटर या एंड द लिमिटेशन वुड बी डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब आपको इस आंसर के अंदर, क्योंकि आपने ये कहा कि ये जनाब लिमिटेशन ऑन स्कोप का इशू है, तो आप दो पॉसिबल है, अब आप कहेंगे इसमें क्वालिफाइड भी हो सकता है, इसमें डिस्क्लेमर भी। आपने एक अजम्पशन देखे नहीं, ऑल दी अजम्पशन, ऑल पॉसिबल इफेक्ट ऑन ऑडिटर को बता, जब आपको कोई थ्रेशहोल्ड कोई बेसिस नहीं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट एज ऑल दी इम्पैक्ट। अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड, अगर मटेरियल परवेसिव है तो डिस्क्लेमर, और वो रेलेवेंट वर्डिंग के स्ट्रेंथ में कहां का बता रहा है, तो ये भी क्लियर है। तो ये अब आपने देखना है कि आपको स्पेसिफिक आंसर एग्जामिनर पूछ रहा है या मल्टीपल आंसर, पॉसिबल आंसर पूछ रहा है। तो ये मुझे ओके कर दें तो फिर हम आगे चलते हैं। जी ओके है, चलें गुड। अच्छा एक और मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये हमारा सीपेप लेवल का ही पेपर है, बहुत पुराना ये पेपर है, उसका ये क्वेश्चन है, ये देखें आप, समर 2009। ये पास्ट पेपर्स मैंने इसलिए शेयर नहीं किए क्योंकि ये ऑलरेडी एक दफ़ा हो चुके हुए हैं, तो आपके एलएमएस के ऊपर सारे पढ़े हुए हैं, तो ये
समर 2009 के अटेम्प्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। ऑन अहमद, अभी हमें ईओएम पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, ये क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है, अभी हमें आता ही नहीं है, अभी तो हम सीखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, फिर मैं कुछ इस पर कॉमेंट कर सकता हूँ, तो अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी थोड़ी क्लासेस वेट करेंगे, फिर इंशाल्लाह ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम जरूर एड्रेस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा अब्दुल्ला अगर नहीं है तो आल मेक श्योर कि ये आ जाएगा इंशाल्लाह। सो ये मैं वैसे आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसमें रिक्वायरमेंट देखते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 का रिक्वायरमेंट है जी, एक्सप्लेन द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड अबव, नंबर 1 ऑन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्कस इम्प्लीकेशन देयर ऑफ इफ एनी ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। यानी आपसे वो पहले ये पूछ रहे हैं कि ये इशू है, आप बताएं कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अकाउंटिंग इशू हो तो आप कहेंगे कंपनी को ये प्रोविजन करनी चाहिए, इससे प्रॉफिट इतना कम हो जाएगा, और अगर कंपनी नहीं करेगी तो फिर ऑडिट रिपोर्ट में क्या इफेक्ट होगा। तो बेसिकली वो आपसे दो आंसर मांग रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट बताएं इशू का, और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट का। मैं एक नज़र आपको इसका दिखाता हूँ आंसर का स्ट्रक्चर जो है कैसे बनाया, तो वो ये एक उसने बनाया कि इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो सकता है और फिर इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। वो हमारी ISI अप्रोच को ही सिर्फ ब्रेक करके आपने लिखना है, वो इशू का आपने इम्पैक्ट बताना, जो हम कह रहे थे प्रोविजन ने की 45,000, वो बेसिकली क्या है ये इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बनना है, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल ये IS इधर डिस्कस हो गया है, और ISI के बाद जो इम्पैक्ट है वो यहाँ डिस्कस हो गया, तो अप्रोच वही है, लेकिन उसने इस तरह उनके खोल के फरमाइशी तौर पर पूछा कि मुझे बताएं इसका क्या होगा, तो इस तरीके से इसमें जो आपने सीक्वेंस अडॉप्ट करनी है, ये आपका प्राइमरीली होमवर्क है। सबसे पहले दिस, पहले नंबर 3 इशू को कीजिएगा, फिर उसके बाद नंबर 4 को। ये जो मैं आपको अपनी सीक्वेंस बनाता हूँ ना, ये मैं इजी टू डिफिकल्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, फिर उसके बाद नंबर 2 को टैकल कीजिएगा, और फिर उसके बाद नंबर 1। अच्छा, इसमें हो सकता है कुछ और चीज़ों का भी जिक्र आया, मसलन कोई गोइंग कंसर्न की बात हो, कोई और एम्फेसिस ऑफ मैटर जिसना भी किसी ने जिक्र भी किया था, उनको भी आप इग्नोर करेंगे। अभी आप इस क्वेश्चन को सिर्फ रेलेवेंट रखेंगे टू आर डिस्कशन 7705, इमटीरियल या मटीरियल या मटीरियल एंड परमिसिबल। अभी और भी चीज़ें इसमें लिंक्ड हैं, वो हम चीज़ें इंशाल्लाह इसमें बाद में भी ऐड करेंगे। मसलन मैं थोड़ा सा हिंट इसमें, ये जो नंबर 4 सिचुएशन है इसके अंदर 570 का टच भी है, जो कि जब हम बाद में अनलॉक करेंगे फिर बात करेंगे। नंबर 2 जो सिचुएशन है इसके अंदर 701 का टच भी आ सकता है और 706 का टच भी आ सकता है, यानी 705 के अलावा इन एडिशन, यानी इस आंसर को हम एक्सपैंड करेंगे वो बाद में, लेकिन अभी आपने उसको अगर आप सोल्यूशन देखेंगे खुद करने के बाद आपको लगे तो परेशान नहीं हो। जो 1 और 2 हैं ये तो सिंपल स्ट्रेट है, या 700 या 705, तो इसको भी आप अपने तौर पे करेंगे और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, बिफोर वी डिपार्ट, आए जनाब मैं आपके साथ एक फाइनल लेवल की जो है डिस्कशन करता हूँ, एड ऑन करता हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी तक आपके साथ चीज़ें डिस्कस की हैं ना, ट्रस्ट मी, ये तो थी एलिमेंट्री लेवल, ये तो थी कैप लेवल, ठीक है, हाँ विद द एक्सेप्शन ऑफ ये जो मैं क्वेश्चन पास पेपर उसमें ऐड कर रहा हूँ। अब मैं आपका लेवल इंक्रीज करने लगा हूँ, मैं अब आज की जो रिमेनिंग क्लास और कल की है ये है सही फाइनल लेवल की, जिसपे मैं आपका वो जो बार होती है ना उसको मैं रेज करने लगा हूँ। वो पोल वॉल्ट नहीं होता जिसमें आप ऊपर उसको क्रॉस करते हैं वॉल्ट को ऊपर जंप लगा के, अब वो लेवल, अब मैंने वॉल्ट उसको ऊंचा कर दिया उस बार को, तो अब आपने उसको क्रॉस कर आइए जनाब, अब आपने हमने मिल के एक चीज़ सीखनी और आपने मेरे कुछ सवालों का जवाब देना है, और कल फिर इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर जो है वो डेडिकेट करेंगे ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ बेसिस फॉर क्वालिफाइड बेसिस फॉर एडवर्स बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। अब आपने आखिरी ये जो हमारे पास 10 मिनट है इसमें ज़रा जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों के जवाब देंगे। सपोज हमने एक ऑडिट किया और उसमें निकले हमारे 4 इश्यूज, 4 मसले निकले, उसमें से चारों मसले हैं लिमिटेशन के,
चार चीजों का हमें एविडेंस नहीं मिला, कोई इन्वेंट्री का नहीं मिला, कुछ भी। मुझे बताएं हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा। चार लिमिटेशन के इश्यूज हैं, चार बस जल्दी जल्दी। इन मटेरियल को फिलहाल छोड़ दें, मतलब कोई ना कोई मसला है तो स्टार्टिंग विद 705 में आना है। क्या होता है लिमिटेशन होगा, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, चार इश्यूज हैं, लिमिटेशन है, क्या करेंगे? बताएं। वेरी गुड, तो ओपिनियन क्या होगा? शाबाश, मैं वो छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, सिग्निफिकेंस चेक कर ली। पॉसिबल बताएं क्या 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 हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल जी, या क्वालिफाइड होगा या डिस्क्लेमर होगा। एग्रीड, कंबाइन ही, सब कुछ कंबाइन करके ही देख रहा हूं मैं, सब कुछ कंबाइन करके देख रहा हूँ, और वो इमटीरियल नहीं है। तो कंबाइन करके या मटेरियल होगा, या कंबाइन करके मटेरियल इन परवेजिव होगा, या क्वालिफाइड होगा, या डिस्क्लेमर होगा। एग्रीड असद, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। दूसरी एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल, चार इश्यूज निकले हैं और चारों मिस स्टेटमेंट के, मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ, चारों इशू निकले मिस स्टेटमेंट, और वो चारों इशू मिलके इमटीरियल नहीं है, 705 में आ रहे हैं। बताएं क्या पॉसिबल ओपिनियन हो सकता है? चार इशू हैं और वो चार मिस स्टेटमेंट्स हैं, और उनका कंबाइन इफेक्ट जो है वो इमटीरियल नहीं है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ओपिनियन में? वेरी गुड, क्वालिफाइड या एडवर्स, गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। आगे चलें, लर्निंग, अब आ रही है लर्निंग। ऑडिट में दो मसले निकले लिमिटेशन के, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड नहीं मिला जो कि प्रॉफिट का 40% है, रिसीवेबल का रिकॉर्ड नहीं मिला जो कि प्रॉफिट का 40% है। दो मसाइल, दो लिमिटेशन, उनकी वेटेज है 40-40%। दो मिस स्टेटमेंट भी निकली है, 5% की ये गलती, 5% की ये गलती। ओपिनियन बोलिए जनाब, ओपिनियन बोलिए। हाँ ओके, डिस्क्लेमर, उमर F674, यार अपना नाम भी तो लिखा करें ना, मैं कैसे कॉल करूं? डिस्क्लेम, 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 फारूक डिस्क्लेम, असद, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा ओपिनियन? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्यों? क्योंकि 80% चीजों का हमें एविडेंस नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल दो मैं कल ज्यादा हाईलाइट करूंगा, हमारा ओपिनियन तो होगा डिस्क्लेमर, लेकिन मेरा अगला सवाल, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जब मैं बनाऊंगा, वहां पे क्या सिर्फ ये दो बातें जो लिमिटेशन है ये डिस्कस करूंगा, या चारों डिस्कस करूंगा बेसिस ऑफ, क्योंकि पीछे जो थी पहले लिमिटेशन, चारों बातें डिस्कस करनी थी, 1 2 3 4 करके करनी थी। आपको याद है एक इलस्ट्रेशन हमने 5 देखी थी डिस्क्लेमर की, जिसमें वो ये मेरा ख्याल है इन्वेंट्री का भी प्रॉब्लम था रिसीवेबल, तो मैंने कहा था वो दो मैटर्स है, आप उनको 1 2 करके भी कर सकते हैं। तो अब मुझे बताएं डिस्क्लेमर में सिर्फ दो बातें की जाएं लिमिटेशन वाली, या सबको डिस्कस करें, सारी करेंगे चार, यानी वो खराबी जो मिस स्टेटमेंट है वो भी, उसको इग्नोर नहीं करना, लेकिन आपने ओपिनियन चूंकि कंबाइंड देना है, कंबाइंड फैक्ट ये कि 80% का एविडेंस नहीं मिला, ऑडिट नहीं हुआ, डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, वेरी गुड। कल मैं आपको एक पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि आप जो मर्जी ओपिनियन दे रहे हो, लेकिन एक ऐसा मैटर जिसका उस ओपिनियन से ताल्लुक नहीं, क्योंकि आपको पता है मिस स्टेटमेंट के केस में डिस्क्लेमर नहीं है, बट फिर भी वो बताइए जरूर, लेकिन वो बड़ा ओपिनियन उस छोटी बात को खा जाएगा, वो मतलब उसको उसको वो ओवरशेडो कर देगा। गुड, ठीक है, कोई पैराग्राफ भी रेफर कर रहे हैं, अभी हमें नहीं आता, मैं कल पढ़ के आऊंगा फिर हम डिस्कस करेंगे, अभी हमें नहीं आता हूँ, हमें नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन, आइए एक और ऑडिट, एक और सिचुएशन बनाते हैं। यही चार सिचुएशन है, लिमिटेशन, लिमिटेशन, मटेरियल, मिस स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट, लेकिन इसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करते हैं, उलट कर देते हैं। 5% ये मामला है, 5% दूसरी लिमिटेशन है, एक मिस स्टेटमेंट 40% है, एक और मिस स्टेटमेंट 40% है, ओपिनियन बताइए। वेरी गुड, एडवर्स, क्यों? इस दफा मिस स्टेटमेंट जो है वो हो गए हैं 80%, 80%।
अगेन कोई सवाल, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में सिर्फ दो मिसस्टेटमेंट वाली बातें जिक्र करेंगे या चारों करेंगे? सिर्फ दो या चार? ऑल फोर. थैंक यू, वेरी गुड. आइए जी, टफ वन, टफ वन, टफ वन. यही चार, दो लिमिटेशन, दो मिसस्टेटमेंट. 20%, 20%, 20%, 20%. हाँ जी, दो लिमिटेशन के इश्यूज हैं, 20-20% ईच, दो मिस स्टेटमेंट है, 20-20% ऑफ प्रॉफिट ईच. ओपिनियन बोलिए, ओपिनियन बोलिए. असद कह रहे हैं एडवर्स. चेक कर तो ली रिदा सिग्निफिकेंस, और क्या सिग्निफिकेंस चेक करें, सारा कुछ तो सामने आ गया खोल के. सिग्निफिकेंस क्या है? 40% की लिमिटेशन है, 40% की मिस स्टेटमेंट्स हैं. अब मुझे फाइनल बताएं क्या करें. डिस्क्लेम, डिस्क्लेम. हाँ सही कह रहे हैं. देखें, नाउ इट इज ए मैटर ऑफ प्योर जजमेंट. ऑडिटर कैन गो आइदर वे. एक चीज क्लियर रखें, मामला 80% का जो भी है, प्रॉब्लम 80% में है, तो इसका मतलब है कि इट हैज टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस. आइदर आपकी मर्जी है, डिस्क्लेमर या एडवर्ब, जो आपको दिल करता है, जो आपको लगता है शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा बेहतर है. हाँ सही कह रहे हैं फारूक, मैं भी इसीलिए मैंने डीओ पहले लिखा है फिर एडवर्स ओपिनियन लिखा है, फॉर दिस वेरी रीजन के ज्यादातर चांसेस हैं डिस्क्लेमर के, वरना एडवर्स भी दिया जा सकता. ठीक है, आखिरी पॉसिबल सिचुएशन, मैं आपके साथ सारी सिचुएशन जो है वो खोल खोल के बयान कर रहा हूँ. हाँ बिल्कुल, विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, नो हार्म विद दैट. बिल्कुल, वो भी इंशाल्लाह हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसमें देखते. आखिरी इसमें आखिरी मामला, चार इशू हैं, दो लिमिटेशन के, दो मिसस्टेटमेंट. ये मसला है, ओपिनियन बोलिए. 5-5% यानी 10% लिमिटेशन, 5 और 5% मिसस्टेटमेंट है, ओपिनियन बोलिए. अच्छा जी, गुड, वेरी गुड. क्योंकि मामला तो टोटल 20% का है, तो 20% पे तो आप स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लेंगे. लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई है, एक प्रॉब्लम आ गई. जब आप क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन देते हैं, तो उसमें लिखते हैं इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन या मैटर. लेकिन जब आप मिस स्टेटमेंट की वजह से क्वालिफाई करते हैं, फिर आप देखते हैं आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट. अब हम क्या लिखेंगे, अब कैसे टैकल करें? एक्सेप्ट फॉर यानी ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन बनाना है ना आपके सामने. इलस्ट्रेशन वन है, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट. इलस्ट्रेशन थ्री खोलें, इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट. अब हम कैसे यूज करेंगे, ये आपकी एक होम असाइनमेंट है. हिंट ये है, इलस्ट्रेशन थ्री और इलस्ट्रेशन वन. मैं आपके सामने बस जल्दी से एक मिनट लूंगा. मैं ये कहना चाह रहा हूं, इलस्ट्रेशन वन क्वालिफाइड ओपिनियन क्या वर्डिंग थी, इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स. इलस्ट्रेशन थ्री क्वालिफाइड ओपिनियन क्या वर्डिंग थी, इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट. अब चार मामलात हैं, आपने क्वालिफाइड ओपिनियन ये वाला सेक्शन आप समझ लें, मुझे जरा ड्राफ्ट करके दिखाना है, आपने कल लेके आना है जब क्लास स्टार्ट होगी. मुझे ये बताएं, इस सिचुएशन में दो मामले लिमिटेशन के हैं, 5-5%, दो मिस स्टेटमेंट के, आपके ये ओपिनियन इलस्ट्रेशन वन, हिंट ये इलस्ट्रेशन वन और थ्री को मर्ज करके को स्टेटमेंट खुद आपने इनोवेट करनी है. इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट या इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल इफेक्ट, इसको कोई मर्ज करके ना बिदत इनोवेशन करनी है, जिसको बिदत कहते हैं. आपने इनोवेट करना है, कोई नई चीज बना के लानी है जो कि स्टैंडर्ड के अंदर उसकी एग्जांपल नहीं है.
क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन अकाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट, क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन, मर्ज करके कैसे इसको आप करेंगे? आपने हाँ कुछ करना है, पैराग्राफ्स को भी रेफर करना है, अज्यूम करना है, चार मैटर्स आप बेसिस ऑफ क्वालिफाइड में, तो उन पैराग्राफ के नंबर्स को भी यूज करें. हिंट, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन पैरा थ्री एंड फोर एंड एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन पैरा वन एंड टू ऑफ बेसिस. मैंने हिंट बता दी जल्दी जल्दी. तो अब आपने जरा सिर्फ ये लिख के लाना है. यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे और कल इंशाल्लाह ड्राफ्टिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये जो जो खास सेक्शन है 705 को ड्राफ्ट करना सीखेंगे और स्टैंडर्ड्स को भी इंशाल्लाह जो आप पढ़ के आएंगे आपके क्वेश्चन उनको भी डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. कल नहीं, सॉरी, कल मैं कल से मुराद है नेक्स्ट क्लास, कल से मुराद है नेक्स्ट क्लास, प्लीज कल से मुराद है नेक्स्ट क्लास. ठीक है, आई कीप सेइंग कल क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है इस वीक की फर्स्ट क्लास है. So probably, मेरे कहने की वजह से ही कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई. कल क्लास नहीं है, कल मीन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो प्लीज कम प्रिपेयर्ड, ये कराइएगा. अच्छा होमवर्क हो गया आपके पास, काफी मटेरियल है करने के लिए. मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन वो भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा. स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी पढ़ के आइएगा. सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह नेक्स्ट. टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़.